बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा बारो, आऊं अमरजीत सिंधिया जी टीचर आया। अज असी क्लास दही लाए पंज मजमून सिंधी पढ़ंदासी। असां जो अज जो सबक आए सिंधी अदब जी मुख्तसर तारीख। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबक है सिंधी अदब की मुख्तसर तारीख। थोड़ी सी वजाहत आपको कर दूं कि इस सबक के अंदर हमें मुख्तलिफ कौमों ने जब जब सिंध पर हुकूमत की और उनके दौरे हुकूमत में सिंधी अदब में क्या क्या तब्दीलियां रूनमा हुई, कौन कौन से बड़े नाम हमारे सामने आते हैं अदीब और शायरों के, उन सब के बारे में इस सबक के अंदर बताया गया है। तो आइए असी पंजे सबक सिंधी अदब जी मुख्तसर तारीख जी वजाहत कंदी तवां के बुधाईंदी इन सबक में कम शामिल है। प्यारा बारो, सिंधी जबान तमाम कदीम जबान है। अरबन जी किताबन मां मालूम थे तो अरबन जे दौरे हुकूमत मां कुरान शरीफ जो सिंधी जबान मां तर्जुमो थे हो। सिंध में मुख्तलिफ अदवारन मां मुख्तलिफ कौमूं हुकूमतूं कयूं आहिनि। अरबन खां पोइ सूरन जो दौर अटकल 1050 ईस्वी खां शुरू थियो। इन दौर मां जेके कुझु मिलियो आहे इन मां मालूम थे तो तेन व सिंधी शायरी जो वजूद हो। हर मौजू ते बैत लिखियल मिला आहिनि। रुहानियत ऐं शाकियात जा सबक ऐं सिंध जे सूरमनि जी सोरियाई जो ज़िक्र बि बैतनि में मिलियो आहे। सिंधी ज़बान बहुत पुरानी ज़बान है और अरबों की किताबों से मालूम होता है कि अरबों के दौरे हुकूमत में कुरान शरीफ का सिंधी ज़बान में तर्जुमा किया गया था और सिंध में मुख्तलिफ दौरों में मुख्तलिफ कौमों ने हुकूमतें की। अरबों के बाद सूमरों का दौर अटकल 1050 ईस्वी से शुरू हुआ। इस दौर में जो कुछ भी मिला है इसमें ये मालूम होता है कि इस पर सिंधी शायरी का वजूद था। हर मौजू पर नज़में लिखी हुई नजर आती हैं। रूहानियत और शाकियात के सबक और सिंध के बहादुरों की बहादुरी का जिक्र भी नज़मों के जरिए किया जाता था। सुमरन खां पोइ सुमन जो दौर शुरू थियो। हिन दौर जे केतिरनि वॾनि शायरनि जा नाला मिलनि था। सभ खां वॾो हिन दौर जो शायर काज़ी काज़न हो। सुमन खां पोइ अरवान तुर्खान ऐं मुग़लनि सिंध ते हुकूमत कई हुई। हिन दौर मां शाह अब्दुल करीम बरड़ी वारो हिकु वॾो शायर थी गुज़रियो आहे। 1700 मां सिंधी रसूल ख़त आयो वियो। 1701 खां सिंध ते कलोड़नि जी हुकूमत शुरू थी। हिन दौर खे सिंधी ज़बान जो अज़ीम शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई मिले थो, जिन्हनि जे इशारनि मां फ़िक्र ऐं ख़्याल जी गहराई सां गॾु फ़न ऐं ज़बान जूं ख़ूबियूं बि आहिनि। प्यारे बच्चों, में मज़ीद ये बताया जा रहा है कि सूमरों के दौरे हुकूमत के बाद सुमन का दौरे हुकूमत शुरू हुआ। इस वक्त हमारे सामने बहुत सारे बड़े शायरों के नाम आते हैं, जैसे कि सबसे बड़े शायर काज़ी काज़न थे। सुमन के बाद मुख्तलिफ और कौमों ने सिंध पर हुकूमत की, अरगोन तुर्खान और मुगलों ने। शाह अब्दुल करीम बलूड़ी वारो एक बड़े शायर गुजरे हैं। 1700 में सिंधी रसूल खत बनाया गया और 1701 में सिंध पर कलोड़ों का दौरे हुकूमत शुरू हुआ। इस दौर को सिंधी जबान के अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई मिलते हैं, जिनके अशार में फिक्र और ख्याल की गहराई के साथ साथ फन और जबान की खूबियां भी मिलती हैं। सबक असंजो आहे सिंधी अदब जी मुख्तसर तारीख। हिन मां पेपर पैटर्न जे मुताबिक सभ खां पहिरीं असीं पंजो हिसो अलिफ़ कसीरुल इंतिखाबी सवालात पढ़ंदासीं। हिसो अलिफ़ कसीरुल इंतिखाबी सवालात। पहिरियों कसीरुल इंतिखाबी आहे, सिंधी ज़बान तमामु डैश ज़बान आहे। प्यारा वारो, असांजे ऑप्शन्स आहिनि कदीम, अलिफ़ कदीम, बे जदीद ऐं जीम पुराणी। ऐं हिन मां असांजो सही ऑप्शन छा आहे? अलिफ़ कदीम असांजो सही ऑप्शन आहे। सिंधी ज़बान तमामु कदीम ज़बान आहे।
बेशकिल इंतखाबी आहे आसारन ए ओयाण मा मालूम थे तो ते जैज जमाने का सिंधी जबान मा इल्म अदब मौजूद हो ते हिन जो सही ऑप्शन छा हो अलिफ बिल्कुल सही अगाणी यानी पहले आसारो और शवाई से मालूम होता है कि पहले जमाने में ही सिंधी जबान में इल्म अदब मौजूद था। तई कसीर इंतखाबी आहे अरबन के दौर में कुरान शरीफ जो डैश जबान में तर्जुमो थो हो। ऑप्शन अलिफ सिंधी बे फारसी जीम उर्दू तिन में सही ऑप्शन अलिफ सिंधी असो सही ऑप्शन है। अरबन के दौर में कुरान शरीफ जो सिंधी जबान में तर्जुमो थो हो। चौथी कसीर इंतखाबी अरबन का डैश जो दौर शुरू थो अलिफ सुमन बे अर्गोन जीन सुमरन तीन में सही ऑप्शन जीन असो सही ऑप्शन है। अरबन का सुमरन जो दौर शुरू थो। पंजी कसीर इंतखाबी है सुमरन के दौर में रूहानियत एखलाकियात ज सबक डैश के जरिए जिना वा हुआ असाज ऑप्शन अलिफ नजम बे मजमून जीन शायरी तेन में असो सही ऑप्शन जीम असो सही ऑप्शन है शायरी। सुमरन के दौर में रूहानियत एखलाकियात ज सबक शायरी के जरिए जिना वा हुआ। छही कचिरुल इंतखाबी सिंध के सूरमन की सोराइश जो जिक्र बडैश में क्यों वे हो। ऑप्शन अलिफ सबकन बे बैतन जीन नज़मन तेन में असो सही ऑप्शन बैतन बे असो सही ऑप्शन है। सिंध के सूरमन की सोराइश जो जिक्र बैतन में क्यों वे हो। सती कसीर इंतखाबी है सुमरन का डैश जो दौर शुरू थो। ऑप्शन अलिफ मुगलन बे सुमन जीन तालपुरन सही ऑप्शन प्यारा वारो तमा कोशिश करियो है शाबाश। चलो असी तवाके बताएंगे बे असो सही ऑप्शन है सुमन। सुमरन का सुमन जो दौर शुरू थो। अठी कसीर इंतखाबी है सुमरन के दौर जो आखिरी शायर डैश हो। ऑप्शन है अलिफ काजी काजन बे शाह अब्दुल करीम बड़ीवारो जीम सियामी सही ऑप्शन असी तवाके पहले से बुधाईंदी अलिफ काजी काजन। सुमरन के दौर जो आखिरी शायर काजी काजन हो। नहीं खालिद है काजी काजन जा डैश का वधिक बैत मिलिया हैं। ऑप्शन अलिफ 100 2000 जीम 500 इन में सही ऑप्शन अलिफ 100 यानी काजी काजन जा 100 का वधिक बैत मिलिया हैं। दही कसीर इंतखाबी है सन डैश ईस्वी का सिंध से कलोड़न की हुकूमत शुरू थी। ऑप्शन अलिफ 1707 बे 1808 जीम 1710 तेन में सही ऑप्शन अलिफ असो सही ऑप्शन है 1707 सन 1707 ईस्वी का सिंध से कलोड़न की हुकूमत शुरू थी। यारहीं कसीर इंतखाबी सन डैश ईस्वी में ठटे के आलिम मखदूम अबुल हसन सिंधी रस्म खत के बाकायदा सूरत डिनी। ऑप्शन अलिफ 1700 1720 1708 तेन में सही ऑप्शन
अलिफ असो सही ऑप्शन आए सन 1700 ईस्वी में टटे के आलिम मखदूम अबुल हसन सिंधी रसमुल खत के बाकायदा सूरत जिनी बारी कतीरुल इंतखाबी आए मुकम्मल सलात नाले किताब नज़म मां लिखियो ऑप्शन आइन अलिफ मखदूम अबुल हसन बे डॉक्टर दाऊद पोटो जीम अलामा आया काजी ए इन मां सही ऑप्शन छा थींदा अलिफ असो सही ऑप्शन आए मखदूम अबुल हसन मुकदमतुस सलात नाले किताब नज़म मां लिखियो असो कसीरुल इंतखाबी सवालात इतो अलिफ पूरो थियो इन वक्त असी पंजो हिस्सो बे जेकी मुख्तसर जवाबन के सवालात से मुश्तमिल है पढ़ंदासी इन मां असांजे लाइ कुछ सवाल उन जा जवाब शामिल थिया आहिनि मुख़्तसर जवाबन जा सवाल हेठियनि सवालनि जा जवाब लिखो पहिरियों सवाल आहे अरबन जे दौर मां सिंधी अदब जा कहिड़ा आयाण मिलनि था अरबों के दौर में सिंधी अदब के कौन से शवाहिद मिलते हैं जवाब आहे अरबन जी किताबनि मां मालूम थिए थो त अॻाणे ज़माने खां ई सिंधी ज़बान मां इल्म अदब मौजूदु हो ऐं इन्हीअ मां क़ुरान शरीफ़ जो सिंधी मां तर्जुमो थियो हो जवाब है अरबों की किताबों से मालूम होता है कि पहले ज़माने से ही सिंधी ज़बान में इल्म अदब मौजूदु था और क़ुरान शरीफ़ का सिंधी ज़बान में तर्जुमा भी तब ही किया गया सवाल नंबर ॿियो सुमरन जे दौर जूं सिंधी अदब बाबति कहिड़ियूं ॻाल्हियूं मालूम थियूं आहिनि सुमरों के दौर के सिंधी अदब में कौन सी बातें मालूम हैं जवाब आहे सुमरन जे दौर मां घणो शेर न मिलियो आहे पर जेकी कुझु मिलियो आहे इन मां मालूम थिए थो त इन वक़्तु सिंधी शायरी औज ते हुई रुहानियत ऐं इख़्लाक़ियात जा सबक़ बि शायरी ज़रिए ॾिना वेंदा हुआ मशहूर रुमानवी दास्तान सती पुनू उमर माराई वग़ैरह ते बेदबार किया विया हुआ ते सिंध जे सुरमन जी सोरियाई जो ज़िक्र बि बेतनि मां कयो वियो हो सुमरों के दौर के ज्यादा अशार नहीं मिलते हैं मगर जो कुछ भी मिला है उससे ये मालूम होता है कि सिंधी शायरी उरूज पर थी रूहानियत अखलाकियात के सबब भी शायरी के जरिए दिए जाते थे और मशहूर दास्तानें जैसे कि सती पुनू और उमर मारे इन पर नज़में वगैरह भी लिखी गईं और सिंध के बहादुरों का जिक्र भी नज़मों के जरिए किया गया सवाल नंबर 3 कल्होड़न के दौर के सिंधी अदब जो सुनहरी दौर छो तो छे हुए कल्होड़ों के दौर को सिंधी अदब का सुनहरी दौर क्यों कहा जाता है असो जवाब है कल्होड़न के दौर के सिंधी अदब जो सुनहरी दौर इन लाइ छो वे तो इन दौर में असके शाह अब्दुल लतीफ बिटाई मिले तो जिन के शेर में फिक्र ख्याल की गहराई ए वसत भी फन ए जबान जो खूबियों भी जवाब आए कल्होड़न के दौर को सिंधी अदब का सुनहरी दौर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर में हमें सिंधी शायरी के सबसे बड़े शायर शाह अब्दुल लतीफ बिटाई का नाम सामने आता है जिनके अशार में फिक्र और ख्याल की गहराइयां भी थी गुंजाइश भी थी और तबान और फन की खूबियां भी मौजूद थी सिंधी अदब की मुख्तसर तारीख असो हिस्सो बो पूरो थियो ऐं असांजे साम्हूं हिन वक़्तु हिस्सो जीम आहे जेकी बयानिया जवाबनि जे सवालात ते मुश्तमिल आहे प्यारे वारो हिस्सो जीम मां असीं सबक जो ख़ुलासो या सबक सां लियल सिंधी पैराग्राफ जो तर्जुमो पढ़ंदा आहियूं त हिन लेक्चर मां असीं ॾिसूं था त हिन लेक्चर मां असांजे लाइ छा आहे हिसो जी बयानिया जवाबनि जा सवाल ऐं प्यारा वारो हिन मां सबक से सबक खां वटियल सिंधी पैराग्राफ आहे ऐं हुन जो उर्दू तर्जुमो बि आहे सिंधी पैराग्राफ सुमरन खां पोइ सुमन जो दौर शुरू थियो हिन ज़माने जो सिंधी शेर बि मिले थो हिन दौर जे केतिरनि सिंधी शायरनि जा नाला मिलनि था
हिंदो जो अहम शायर काजी काज़न हो जो सिंधी जबान जो तमाम वो शायर थी गुजरियो है। प्यारे वारो सिंधी पैराग्राफ आऊं पढ़ाया इन वक्त उर्दू तर्जुमो तवांके बुधाईंदी। सुमरों के बाद सुमन का दौर शुरू हुआ। इस जमाने के सिंधी शेर भी मिले हैं। इस दौर के कितने ही सिंधी शायरों के नाम मिलते हैं। इस दौर के अहम शायर काजी काज़न हैं जो सिंधी जबान के बहुत बड़े शायर हैं। प्यारे बच्चों, ये था सिंधी पैराग्राफ और उसका तर्जुमा जो कि इस तर्जीम में शामिल था। हमने आपको सिंधी अदब की मुख्तसर तारीख सबक का ये पहला हमारा लेक्चर था। इसका अगला काम जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सबक को हमने पेपर पैटर्न के मुताबिक आपको समझाया और हमारा पहला लेक्चर सिंधी अदब की मुख्तसर तारीख का मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस सबक के बकिया काम के साथ आपसे मिलेंगे हम। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।